संजना एक बैंक के सामने से जा रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर बैग को लेके बैंक के अंदर चला गया। गिरने के वजह से संजना चोर का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसने चोर को बैंक में जाते हुए देख लिया था। वो भी तुरंत बैंक के अंदर गई और चोर को ढूंढने लगी। उसे उसका बैग दो औरतों के बीच में दिखा। इन दोनों में से कौन हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर ए ने चोरी की है तो वो हैंडबैग उसके राइट में होना चाहिए था, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड में प्लास्टर है, मतलब चोरी बी ने की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अंकिता एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। कुछ देर बाद वो भागते हुए पुलिस के पास जाती है। उसने पुलिस से कहा कि मेरा बैग चोरी हो गया है, मैं उस आदमी को अच्छे से देख नहीं पाई, मैं वॉशरूम में हाथ धो रही थी तभी किसी ने पीछे से जोर से मुझे मारा और बैग लेके भाग गया। अंकिता पुलिस को उसके साथ वॉशरूम में लेके जाती है। वहां पहुंचते से पुलिस समझ जाती है कि अंकिता झूठ बोल रही है। कैसे पुलिस को कैसे समझता है कि अंकिता झूठ बोल रही है, क्या आप देख के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, वॉश बेसिन के ऊपर एक बड़ा मिरर लगा हुआ है। अगर किसी ने पीछे से उसे मारा तो मिरर में अंकिता को चोर का चेहरा दिख जाता था, मतलब वो झूठ बोल रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताएं इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है पॉप और दूसरा है कॉर्न, तो इससे बन जाएगा पॉपकॉर्न। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताएं इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है रेन और दूसरा है बो, तो इससे बन जाएगा रेनबो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इन दो पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है कार, दूसरा है पेट, तो इससे बन जाएगा कारपेट। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इन तीन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताएं इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इससे बनेगा हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून। चलिए अगली पहेली देखते हैं। करण का एक शेफ कंपटीशन में खून हो जाता है। वो उसकी खुद की डिश खा के ही मर जाता है। किसी ने उसके डिश में पॉइजन मिला दिया था, पर किसने?
मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल को लगता है कि कंपटीशन के बाकी पार्टिसिपेंट्स में से ही किसी ने उसको मारा होगा। मेहुल कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर राकेश को बुलाता है। वो राकेश से पूछता है कि क्या पार्टिसिपेंट्स ने एक दूसरे से बात की। राकेश ने उससे कहा, मैंने संदीप को एक बड़ा फ्राइंग पैन करण से लेते हुए देखा था और फिर वापस देते हुए देखा। रचना ने करण से कुछ देर के लिए नमक लिया था लेकिन फिर वापस कर दिया था। और नेहा करण की डिश बिगाड़ना चाहती थी, उसने करण का एक पॉड भी गिराया था। ये सब सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है, कैसे, तीनों में से ऐसा क्या है जिससे खून किया जा सकता है। क्या आप सोच के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी रचना है। उसने करण के नमक में साइनाइड मिला दिया था जिससे करण की मृत्यु हुई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इन पिक्चर्स में 6 डिफरेंसेस हैं। क्या आप इन डिफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपको जो जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस है, पांचवा डिफरेंस है और छठा डिफरेंस है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब बताएं, आपने कौन सा डॉग देखा था? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अब बताएं, आपने कौन सी पेंसिल देखी थी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अब बताएं, आपने कौन सा कलर का बॉक्स देखा था? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इनके सही जवाब है, डॉग का ए है, पेंसिल का बी है और कलर का सी है। तो कैसी गई आपकी मेमोरी टेस्ट और कितने सही किए आपने? जल्दी से कमेंट कीजिए। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताए इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए बी सी या डी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इस पिक्चर का सही शैडो है डी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए बी सी या डी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इस पिक्चर का सही शैडो है सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। हर्ष को एक क्लीनिंग कंपनी में जॉब मिलती है। जॉब के पहले दिन उसे एक बिल्डिंग के 30वें फ्लोर की खिड़की को साफ करना होता है। हर्ष बहुत ही एक्साइटेड था उसके पहले काम के लिए। वो बड़े अच्छे से खिड़कियां साफ कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो 30वें फ्लोर से नीचे गिर गया।
लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और उसने वापस काम करना शुरू कर दिया। कैसे? हर्ष ने कोई सेफ्टी हार्नेस भी नहीं पहना हुआ था, फिर वो 30th फ्लोर से गिरने के बाद भी बच कैसा गया? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हर्ष खिड़कियों को बाहर से नहीं अंदर से साफ कर रहा था, इसलिए वो बच गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं तीनों में से किसकी दो बहनें हैं, मतलब टू सिस्टर्स है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, तीसरे वाले के हाथ में दो राखियां हैं, मतलब इसकी दो बहनें हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारी बाकी पहेलियां भी जरूर देखें। थैंक यू।